मूवी स्टार्ट होती है कॉटवेल मेंशन में, जहां मिस्टर एंड मिसेस कॉटवेल का 9 महीने का बेटा बेनिंगटन, जिसको प्यार से सब बेबी बिंग कहते हैं, अपने कमरे में अपनी नानी के साथ बैठा था, जो उसको उसकी फेवरेट बुक पढ़कर सुना रही थी, जिसका नाम बेबीज डे आउट है। उस बुक में एक छोटे बच्चे का जिक्र था, जिसका नाम बेबी बू है, जो अपनी नानी के साथ एक छोटे से एडवेंचर पर जाता है और बहुत सी नई जगहें घूमता है। बेबी बिंग को ये बुक बहुत पसंद है और वो इसको बू बू कहकर बुलाता था। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस कॉटवेल अपने बेबी का फोटोशूट करवाने का सोचते हैं और मिसेस कॉटवेल कुछ न्यू फोटोग्राफर्स बुलाती हैं ताकि बेबी की फोटो न्यूज़पेपर में आए और लोग देख सकें कि उनका बेबी कितना प्यारा है। वो लोग अब तैयार होकर फोटोग्राफर्स का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि फोटोग्राफर्स की जगह पर उनका सबसे बड़ा खौफ उनके दरवाजे पर दस्तक दे देगा। एडी, नॉबी और वीको नामी चोर फोटोग्राफर्स को रस्ते में किडनैप कर लेते हैं और उनकी जगह कॉटवेल मेंशन चले जाते हैं। नॉबी लाउंज में मौजूद कीमती सामान चुराने का सोचता है, मगर एडी उसको मना कर देता है कि वो यहाँ छोटी मोटी चीजें नहीं चुराने आए, बल्कि अपनी जिंदगी संवारने आए हैं। इतने में मिसेस कॉटवेल नैनी और बेबी बिंग के साथ आ जाते हैं। एडी उनसे कहता है कि वो बेबी बिंग के साथ कुछ टाइम अकेला चाहेगा ताकि बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल हो सके और पिक्चर्स अच्छी आए। वो मिसेस कॉटवेल से कहता है कि उसका ड्रेस काफी एक्स्ट्रा लग रहा था, तो उसको कुछ प्लेन पहनकर आना चाहिए। नैनी उनको बिंग की बुक पकड़ा देती है कि अगर वो रोने लगे तो ये बुक पढ़कर सुना देना, और वो सब बेबी बिंग को 3 अजनबी लोगों के साथ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठा के वो तीनों फिर बेबी को लेकर विंडो से भाग जाते हैं, और जब मिसेस कॉटवेल तैयार होकर लाउंज में आती है तो वहाँ न बेबी होता है और न फोटोग्राफर्स, बस एक छोटा सा नोट जिस पर लिखा था कि तुम्हारा बेबी हमारे पास है और पुलिस को कॉल मत करना। पर फिर भी वो पुलिस को कॉल कर लेते हैं। इकलौता बच्चा था उनका और किडनैपर्स ने कोई धमकी भी नहीं दी थी, यूं लग रहा था जैसे रिक्वेस्ट की हो कि पुलिस को कॉल मत करना। वहाँ मिस्टर कॉटवेल को भी एक नोट भेज देते हैं कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, तो रात 12 बजे से पहले एली के ट्रैश कैन में $5 मिलियन रख देना। पुलिस अब लाउंज में फिंगरप्रिंट्स ढूंढ रहे होते हैं और मिसेस कॉटवेल खुद बाहर जाकर बिंग को ढूंढने का कहती है, मगर पुलिसमैन कहता है कि बेहतर यही होगा कि आप पुलिस को काम करने दें और हमारे कुछ सवालों का जवाब दें। दूसरी तरफ एडी और उसकी टीम बेबी को अपने घर ले जाते हैं, जो कि एक क्लॉक टावर पर एक छोटा सा कमरा था। एडी नॉर्बी से कहता है बेबी के कपड़े बदल कर कोई नॉर्मल कपड़े पहना दे, ताकि किसी को शक ना हो कि ये अमीरों का बच्चा है और हमने किडनैप किया हुआ है। बाद में बेबी के सोने के बजाय नॉर्बी खुद सो जाता है। बेबी बुक खोल के देखने लगता है कि बाहर खिड़की पर एक पिजन आ जाता है। वो देखता है कि उसकी बुक में भी एक पिजन बना था और वो खुश होकर उस पिजन के पीछे जाने लगता है। वो विंडो से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर चला जाता है, जिससे वो छत पर पहुंच जाता है। छत पर एक विंडो थी जिसके नीचे एडी और वीगो का कमरा था। बेबी जैसे ही विंडो पर जाता है तो उसके मुंह से सलाइवा एडी की गर्दन पर गिर जाता है। वो ऊपर देखता है कि बेबी छत पर था। फिर वो तीनों परेशान हुए छत पर चले जाते हैं। एक प्लैंक पड़ा था जो 2 बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ रहा था और उसकी दूसरी तरफ कबूतर बैठा था। बेबी उस प्लैंक पर क्रॉल करके जाता है और एडी देख लेता है। वो भागकर उसको पकड़ने लगता है, मगर बेबी के वेट की वजह से प्लैंक एक तरफ से उठ जाता है और एडी के सर पर लग जाता है। वीको आकर प्लैंक को फेंक देता है। हाँ जी बिल्कुल, उन तीनों में जरा अकल सिर्फ एडी के पास थी और वीको और नॉर्बी दिमाग से पैदल ही थे। अब क्योंकि प्लैंक नहीं था तो उनको एक बिल्डिंग से दूसरी तक जंप करके जाना था। 10 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग से वीको और नॉर्बी तो जंप करके दूसरी बिल्डिंग पर हो जाते हैं, मगर एडी गिर जाता है और कपड़ों की तार में फंसते हुए नीचे गिर जाता है और दोनों उसके पास जाते हैं। बेबी बिंग उस बिल्डिंग में एक विंडो की मदद से किसी औरत के कमरे में चला जाता है। नींद में वो उठती हुई पैकेज लेने के लिए दरवाजा खोलती है और बेबी पर उसकी नजर ही नहीं पड़ती। दरवाजा खुलता है तो बेबी बाहर निकल जाता है। क्रॉल करते करते एक लिफ्ट में बैठकर नीचे चला जाता है और बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। वो एडी, वीको और नॉर्बी के पास से गुजर कर जाता है, मगर एडी बेहोश था और बाकी दोनों का ध्यान एडी की तरफ था। बेबी को बस स्टेशन पर एक ब्लू बस नजर आती है, जो कि बिल्कुल उसकी बू बू बुक की
अपनी बस जैसी थी, तो वो उस बस में चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। एडी अब होश में आ जाता है और तीनों देखते हैं कि बेबी उस बस में बैठकर जा रहा था। वो अपनी वैन निकालकर उस बस के पीछे जाने लगते हैं। स्टॉप आने से पहले एक मोटी सी औरत बस के दरवाजे के पास अपना बड़ा सा हैंडबैग नीचे रखती है। बेबी उसमें देख रहा होता है कि अचानक ब्रेक लगने की वजह से उस बैग में गिर जाता है और औरत उसको लेकर बस से उतर जाती है। नॉर्बी बस के कंडक्टर से एक बेबी के बारे में पूछता है, मगर वो कहता है कि वो नहीं जानता और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि एक आदमी एक छोटे बच्चे का पूछ रहा था। अब तक मिसिंग बेबी की खबर हर जगह फैल चुकी थी। वीको उस औरत के बैग में बेबी को देख लेता है और वो तीनों उसके पीछे जाने लगते हैं। औरत को शक होता है कि उसके पीछे वो तीनों आ रहे थे और वो उनको मारने लगती है। बैग गिर जाता है और बेबी उसमें से निकलकर एक मॉल में चला जाता है, जहां एक एम्प्लॉई उसको बेबीज के सेक्शन में ले जाती है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर जाते थे ताकि वो शॉपिंग कर सकें। वहां पर भी एक औरत अपनी बेटी को लेने आती है, तो बेबी उस बच्चे के प्रैम में पड़ी बॉटल देखकर उसके प्रैम के नीचे वाले हिस्से में लेटकर बॉटल से पीने लगता है और इस तरह मॉल से बाहर चला जाता है। मॉल के बाहर एक रिपोर्टर थी जो मिसिंग बेबी के केस को रिपोर्ट कर रही थी। मिसेस कॉटवेल और तीनों किडनैपर्स भी स्टोर के बाहर लगी टीवी पर न्यूज सुन रहे थे कि अचानक बेबी रिपोर्टर के पैरों में आता है और उसका माइक गिर जाता है। कैमरा बेबी पर जाता है, मगर मिसेस कॉटवेल नहीं देखती और किडनैपर्स देख लेते हैं कि बेबी रिपोर्टर के पास था। बेबी को वहाँ एक टैक्सी नजर आती है जो कि उसकी बू 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 की टैक्सी की तरह थी, तो वो उसमें चला जाता है। किडनैपर रिपोर्टर के पास जाते हैं और उनकी नज़र टैक्सी पर पड़ती है जिसमें बेबी जा रहा था। टैक्सी एक जू की ऑपोजिट साइड पर रुकती है और टैक्सी से बाहर निकलकर बेबी की नज़र जू पर पड़ती है और फिर से उसको अपनी बू 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 की याद आ जाती है और वो सड़क क्रॉस करके जू की तरफ जाने लगता है। अब इस सीन में मेरी तो एंग्जाइटी ऐसे बढ़ गई थी क्योंकि गाड़ियां फुल स्पीड से सड़क पर गुजर रही थी, यहां तक कि बेबी के ऊपर से भी गुजर रही थी, मगर बेबी को खराश तक भी नहीं आई और आराम से सड़क क्रॉस करके जू की तरफ पहुंच जाता है। बस ऐसा लग चाहिए जिंदगी में। किडनैपर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और जू में जाकर देखते हैं, मगर कहीं भी बेबी नजर नहीं आता। फिर उनको बेबी ट्रैक्स नजर आते हैं, छोटे छोटे हाथों के निशान, और वो निशान उनको एप्स के केज की तरफ ले जाते हैं। वहां वीको देखता है कि बेबी एक गोरिल्ला के केज में था। वो चीख मारने लगते हैं, मगर देखते हैं कि गोरिल्ला बेबी को एप्पल देता है, यानी उसको बेबी पसंद था। वीको बेबी के शूज की लेस खींचकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर गोरिल्ला उसको अपनी तरफ खींच लेता है। वीको फिर से उसको अपनी तरफ खींचता है तो बेबी रोने लगता है। गोरिल्ला वीको के हाथ पर मार के उसे इंजर कर देता है। फिर नॉर्बी एक ब्रूम स्टिक की मदद से बेबी को उठाने की कोशिश करता है कि गोरिल्ला ब्रूम के एंड पर जोर डालता है और नॉर्बी उड़कर छत को लगता है। थोड़ी देर बाद गोरिल्ला और बेबी सो जाते हैं, तो एडी बेबी को उठाने लगता है, मगर गोरिल्ला उठ जाता है और एडी को उठाकर दूसरे मंकी के पिंजरे की तरफ फेंक देता है। बेबी फिर केज की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है और एक पार्क में चला जाता है। किडनैपर्स भी उसके पीछे पार्क पहुंच जाते हैं और बेबी एक बड़े सीमेंट की टनल के अंदर चला जाता है। किडनैपर्स टनल की दूसरी तरफ से बेबी को पकड़ लेते हैं, मगर सामने से पुलिस आ जाती है। एडी बेबी को अपनी गोद में बिठाकर ऊपर अपना कोट रख देता है ताकि पुलिस को शक ना हो, और मजे की बात उनको शक होता भी नहीं। पुलिस उनके पास आती है और सड़क पर खड़ी उनकी वैन के बारे में बात करने लगती है कि बेबी एडी की पॉकेट से लाइटर निकालकर उसको जला लेता है। एडी के पैंट्स को आग लग जाती है और वो दर्द से मर रहा होता है, मगर चीख नहीं पाता क्योंकि पुलिस सामने थी। वो वीको और नॉर्बी से कहता है कि वैन को हटा दे और पुलिस भी चली जाती है, मगर तब तक बेबी कोट के अंदर से निकलकर जा चुका था और एडी के क्रॉच को अब आग लगी हुई थी। वीको उस पर पाँव मार के आग को तो बुझा देता है, मगर एडी अब चलने के काबिल नहीं रह जाता। वो तीनों फिर से बेबी को ढूंढने निकल जाते हैं और बेबी अब कंस्ट्रक्शन साइट पर था। एक प्लैंक पर डोनट पड़ा देखकर वो उस पर चढ़ जाता है और प्लैंक फिर मशीन की मदद से ऊपर चला जाता है। किडनैपर्स एक लिफ्ट में बैठकर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं कि कैसे ही प्लैंक ऊपर आए वो पकड़ ले। वीको पकड़ने लगता है, मगर उसके वजन की वजह से प्लैंक टेढ़ा हो जाता है और
बेबी स्लाइड होकर एक लिफ्ट पर गिर जाता है। जो रुकती है तो वो नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है। एडी वीको को पकड़ने के लिए नॉर्बी को भेजता है, मगर नॉर्बी भी साथ लटक जाता है और दोनों फिसल जाते हैं। नॉर्बी एक सीमेंट मिक्सर में गिर जाता है और वीको एक ट्रैश ट्रक में। अब एडी बेबी के पीछे जाता है, मगर बेबी के सलाइवा की वजह से उसका पांव फिसल जाता है और सारा पेंट एडी के ऊपर आ जाता है। बेबी फिर से एक प्लैंक पर चढ़कर नीचे चला जाता है और एडी उसके पीछे एक हुक पर लटक जाता है। मगर हुक के नीचे पहुंचने से पहले वर्कर्स की शिफ्ट खत्म हो जाती है और सब बंद करके चले जाते हैं। एडी वहां ही लटका रह जाता है और वीको और नॉर्बी उसकी मदद करने आते हैं। घर पर पुलिस मिसेस कॉटवेल को रिपोर्ट देती है कि उनको बताया गया है कि एक बेबी पहले बस में नजर आया, फिर टैक्सी में, फिर जू में, उसके बाद पार्क में। और ये सुनकर नैनी बोलती है, और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर। सब हैरान हो जाते हैं कि उसको कैसे पता। तो वो कहती है कि बेबी वो सब कुछ कर रहा है जो बुक में था, और अब वो ओल्ड सोल्जर के घर जाएगा फिर मिस्टर टिंसल से मिलने। वो सब वहां जाते हैं तो बेबी वहां होता है और सब सोल्जर्स उसके लिए गाना गा रहे होते हैं। वापसी पर बेबी उसी क्लॉक टावर को देखता है जहां किडनैपर्स उसको लेकर गए थे और बूबू कहने लगता है। नैनी कहती है कि ये अपनी बुक की बात कर रहा है। मिसेस कॉटवेल कहती है कि वो उसे नई बुक ले देंगी, मगर बेबी बार बार उधर पॉइंट करके बूबू कह रहा होता है। तब नैनी कहती है कि हो सकता है ये बताना चाह रहा हो कि इसकी बुक वहां है। तो पुलिस गाड़ी मोड़ के उस क्लॉक टावर के पास जाने लगती है ताकि बेबी की बूबू वापस ला सके और किडनैपर्स को भी पकड़ सके। तीनों किडनैपर्स अपने घर वापस आ चुके थे और उनको बेबी की आवाज आती है। पहले उन्हें लगा उनका वहम है, मगर फिर पुलिस की आवाज आती है जो उनको कहती है कि बुक नीचे फेंक कर हाथ ऊपर कर लो। वो बाहर देखते हैं तो वहाँ पुलिस और बेबी मौजूद था, और फिर बेबी अपनी बुक लेकर वहाँ से चला जाता है और किडनैपर्स भी अरेस्ट हो जाते हैं। रात में सोते वक्त मिस्टर एंड मिसेस कॉटवेल बेबी को गुड नाइट कहकर चले जाते हैं और बेबी उठकर पीछे मौजूद शेल्फ में से एक और बुक निकालता है जिस पर लिखा था बेबी ट्रिप टू चाइना। और यही मूवी एंड हो जाती है।